हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये साबूदाना ले लिया है मैंने, थोड़ा सा थोड़े से ले लिया मूंगफली के दाने, और शाम को मुझे इसे गला देना। अभी शाम का समय है, 10:30 बज रहे हैं, और इसे अच्छी तरीके से धो करके गला देना। और मूंगफली को सुबह में मुझे इसको गलाना नहीं है, सुबह में इसे फ्राई करके पीसना है। और गला दिया है, आलू ले लिए हैं मैंने 3 से 4, इसको धो करके साफ करके बारीक काट करके बारीक नहीं क्रश करना। ये सुबह का टाइम हो गया है दोस्तों, और मैं नहीं बना दिखा नहीं पाई। मैं साबूदाना और मूंगफली के जो मैंने मिश्रण बनाया था ये ले लिया है, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने हाथों से। ये मैंने ले लिया है घी, क्योंकि व्रत में जो चीज़ खाते वही लेना। और हाथों से मिक्स करने के बाद में जो पेस्ट बन गया है, और घी को मैंने गर्म कर लिया है, गैस पर रखा हुआ है। और हाथों से मुझे तोड़ तोड़ के इसमें साबूदाने के पकौड़े बना करके तेल में डाल देना है। मीडियम फ्लेम पर सेकना है, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम पर सेकोगे तो जल जाएंगे, मूंगफली के दाने कड़वे लगेंगे, थोड़ा भी रह जाता है मोटा मोटा इस तरीके से। और सेकने के बाद में आप निकाल लेना एक प्लेट में। इस तरीके से मैंने निकाल करके रखा है। इसमें थोड़ा सा मैंने कलर भी डाला है दोस्तों, सॉरी नहीं बता पाई मैं आपको। और ये मैंने दही ले ली है, चाय के साथ में आप खाएं, चाय के साथ में खा सकते हो, दही के साथ में जैसे आपको अच्छा लगे इसके साथ में खा सकते हो। और इसमें कुछ नहीं डला है, इसमें डला है फरारी नमक, हरी मिर्ची और बस, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा मसाले, ना जीरा ना ये सब नहीं खाती हूँ मैं। सावन के सोमवार है इसलिए भी, और वैसे भी व्रत सोमवार के में गैस के में एकादशी के हम और दूसरे मसाले नहीं खाते। और आप इस तरीके से बना सकते हो, देखो कितने करारे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।